हाय गाइस, कैसे आप लोग दोस्तों। तो एक और मूवी का रिव्यू लेकर मैं आ गया हूँ आपके सामने में। तो जंगली पिक्चर्स ने प्रेजेंट किया हमारे सामने में आज के दिन एक और बड़ी और बहुत ही अच्छी मूवी बधाई दो। तो इसी से पहले हम बात करने वाले हैं बधाई की सीक्वेंस जिससे पहले आई थी आयुष्मान खुराना की, जो इतनी अच्छी लाफिंग और इतनी अच्छी ह्यूमर के साथ वो मूवी निकल के आई थी, उसके बाद में क्या इसकी जो सक्सेस है इससे ये दोहरा पाएगी बधाई दो या नहीं, तो इसी के बारे में कुछ अच्छे पॉइंट्स कुछ बुरे पॉइंट्स इसके बारे में आज चर्चा करने वाला हूं। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा दोस्तों। अब बात करते हैं, डायरेक्ट चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और बात मूवी के बारे में। तो मूवी की फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहूंगा, फिल्म जो है मॉडरेट फिल्म है। डायरेक्ट की बात है, वन लाइन पर मैं बात करूं तो मॉडरेट फिल्म है। कहीं भी जो बधाई हो, जो इस टाइप की फिल्म थी, इतनी अच्छी लाफिंग इतनी अच्छी ह्यूमर निकल के जो फिल्म आई थी, उस टाइप की ये फिल्म मुझे कहीं भी नजर नहीं आई। हाँ, पर मैं गट्स की दाद देना चाहूंगा, फिल्म मेकर्स ने इस टॉपिक पर फिल्म बनाया वो काफ़ी बड़ी गट्स की बात होगी, क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट फिल्म ज़्यादातर नहीं बनते हैं। उसके बाद में एक्टर और जो एक्ट्रेस हैं इस मूवी पर, जितने भी एक्टर जो काम के हैं उनकी मैं परफॉर्मेंस को सराहना देना चाहूंगा, काफ़ी अच्छी एक्टिंग करके गए हैं। और उनको इस मूवी को साइन करने के लिए जो उन्होंने मतलब इस कॉन्सेप्ट फिल्म को अपने आप में निखारने का सोचा, वो उनका काफी मतलब कि काफी बड़ा एक गट्स पॉइंट था, जिसके लिए मैं उनको सराहना देना चाहूंगा। मैं बात करूं अगर फिल्म की, ट्रूली फिल्म की, तो जो इस फिल्म में ना ह्यूमर है वो कहीं ना कहीं मिस है। फर्स्ट हाफ में बीच बीच पर फर्स्ट आते हैं जो भी स्लाइटली मतलब कहीं कहीं वो ह्यूमर नजर आता ही नहीं, सेकेंड हाफ में तो वो पूरा ही मतलब डल पड़ जाता है, उसके बाद सिर्फ स्टोरी लाइन चलती रहती है। तो मगर मैं आप लोगों को बता दूं, जिस टाइप की ये मूवी है, जैसे कि मास मूवी जो होती है ये हटकर जॉनर है, तो मास मूवीज में हमें सब चीज मिलती है। तो इस तरह की जब जॉनर की फिल्म बनती है, इस तरह की जो कोई इश्यू को टैकल किया जाता है, तो इस टाइप की फिल्म में थोड़ा सा लाफिंग और ह्यूमर ज्यादा होना चाहिए जिससे ऑडियंस देखने को जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि फिल्म में थोड़ा लाफिंग और पंचनेस और ह्यूमर थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था। अब इस मूवी की अगर एक इशू की बात करें, तो उसे ट्रेलर दिखा गई थी और हिंट करके चली गई थी दूसरे इशू के बारे में, जो इस मूवी में वो भी नजर आ रहा है, जिसे मैंने उस मूवी के ट्रेलर पर ही मैंने बता दिया कि इसमें एक इशू नहीं दो इशू टैकल होने वाले हैं। वैसा ही हुआ, जो राजकुमार सर की जो उनका कैरेक्टर उन्होंने निभाया है वो कैरेक्टर निभाया गे का, और जो भूमि पेडनेकर जी हैं वो उन्होंने रोल निभाया है लेस्बियन का। इन्हीं के राउंड जो पूरी मूवी है, इनको एक दूसरे पर कोई भी दिलचस्पी नहीं है। पर होता यह है कि दोनों की फैमिली उनकी बढ़ते हुए एज को और इसी को ना समझते हुए शादी के लिए करते जाते हैं प्रेशराइज, और कुकर से ज्यादा इनको ऊपर बन जाता है प्रेशर, इनकी हवा निकलने लगती है। उसके बाद में दोनों डील करते कि हम लोग एक रूममेट की तरह रहेंगे, क्योंकि हमसे ही शादी होती है। और इसके ही बाद में होती है न्यू इश्यूज लॉन्च, क्योंकि पता है इंडियन सोसाइटी ऐसे ही सोचती है, इंडियन फैमिली ये सोचती है कि फिल्म अब दो थी ये दोनों, अब इनको तीन कैसे किया जाए, ये लोग को इतने खुशी न्यूज क्यों नहीं दे रहे। इसी के अराउंड जो सीटियां बजनी चालू होती हैं, इस इशू को टैकल करते हुए कहते हैं अपने पक्ष को कैसे वो क्लियर करते हैं, इसी पे पूरी फिल्म है, जिससे इस टैकल को हम लोग मतलब कि सामने पे रखा गया है। और बात करें इस मूवी की, तो कैरेक्टराइज काफी अच्छे हैं, सपोर्टिव रोल किए हैं उन्होंने, जितनी भी उनको स्क्रीन स्पेस मिली है उन्होंने काफी अच्छा काम करके गए हैं। तो मैं इस फिल्म से मैं यही कहूंगा, काफी अच्छी फिल्म है, आप जाके मॉडरेट एक बार जाके देख सकते हैं इस मूवी को। सिर्फ इसमें जो मिसिंग है, जो मुझे पसंद नहीं आई इस मूवी में, वो थी सिर्फ मात इसकी ह्यूमर, जो ह्यूमर मतलब की बधाई हो में थी वो यहाँ पर मुझे मिसिंग लगी। बाकी परफॉर्मेंस टॉप नॉच, उसके बाद में मतलब की स्क्रीन प्ले अच्छी, राइटिंग अच्छी, पर मुझे जो भी लगा मैंने आपके सामने में रख दिया है। ह्यूमर की मिसिंग लगी, स्क्रीन थोड़ी सी वजह से मुझे स्लो लग रही थी। तो आप लोगों को इस मूवी को आपको देखना चाहिए, नहीं तो आप जाके इसको देख सकते हैं। बाकी आप लोगों को इस मूवी से क्या लगी आप में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, और बने रहिए हमारे चैनल पे। बाय बाय।